देवताओं के गुरु बृहस्पति की वक्री चाल। 29 जुलाई से मीन में गुरु हो जाएंगे वक्री। ज्ञान, सेहत, विवाह, संतान और धन के कारक गुरु। आने वाले 120 दिनों में किनका करेंगे भाग्योदय। आने वाले 120 दिनों में किनको करेंगे नुकसान। आने वाले 120 दिनों में किन पर होगी धन वर्षा। आने वाले 120 दिनों में किन पर छाएगी कंगाली। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर प्रणाम आप सभी दर्शकों को। आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वक्री गुरु। जी हाँ, इस 29 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और अपने ही घर यानी कि मीन राशि में, और तकरीबन देखिए 24 नवंबर तक रहेंगे। यानी कि आने वाले 120 दिन खास तौर पे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले यानी कि आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। और ये हम इसलिए आपको बताएंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जी ने सभी देवताओं का गुरु माना जाता है और ग्रहों के राजा सूर्य के बाद अगर कोई सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है जिसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है नवग्रहों में, वो है देवगुरु बृहस्पति। जो व्यक्ति के जीवन में उसके ज्ञान के, उसके विवाह के, उसके संतान के, उसके स्वास्थ्य के और उसके आर्थिक पक्ष के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं। और ऐसे में ये आने वाले वक्री गुरु के 120 दिन आप लोगों के जीवन में कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं, किन चुनौतियों का आप लोगों को सामना भी करना पड़ सकता है, क्या कुछ है इन 120 दिनों में आप लोगों के लिए, ये आज हम जानेंगे आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से। सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आपकी ग्रह दृष्टि के बारे में, बताइए। जी कविता जी, धन्यवाद। देखिए, अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए लग्न चार्ट पर ध्यान देते हैं तो इनके थर्ड हाउस जो पराक्रम का भाव लिया जाता है, जिसको हम अपने शोध में पूर्णतया हम वैवाहिक संबंध की पूर्णता का अभिभाव या संबंधों में पूर्णता का भाव लेते हैं जी। और पंचम भाव जो है वहीं पर गुरु वक्री है। पंचम भाव संतान पक्ष से, संतान से जुड़ी हुई है। छठे भाव में जो ज्ञात अज्ञात शत्रु का, वहाँ मंगल राहु आ जाते हैं। अष्टम भाव में शुक्र और नवम में सूर्य बुध और मोक्ष के घर में केतु, जिसमें कि राहु और केतु जो है मोक्ष के घर में और षष्टम भाव में स्थिति बनाए रखेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ क्या है कि शनि जो है थर्ड हाउस में वक्री होकर बैठा हुआ है, तो इसलिए कई जगहों पर यह फलित में वेरिएशन देंगे, कई जगहों पर यह शुभता देंगे, कई जगहों पर यह अशुभ परिणाम देंगे। तो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए कविता जी, यह जो गोचर है गुरु का वक्री होना, यह मिश्रित प्रभाव देगा, मिला जुला प्रभाव लेकर आएगा। चले, यही मिला जुला प्रभाव आपको कहाँ कहाँ मिलने वाला है यह हम बाबा को आगे बढ़ाएंगे, आगे बताएंगे। सबसे पहले बात हो जाए आपकी सेहत को लेकर, बताइए। देखिए, सेहत को लेकर मंगल और राहु छठे भाव में, ज्ञात अज्ञात शत्रु का भाव है। यहीं पर हम हेल्थ को भी इससे गणना करते हैं, अन्य ग्रहों को भी, अन्य घरों को भी देखा जाता है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन छठे भाव को हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं अपने शोध के अनुसार। और वहाँ पर जो है वह ब्लड का कारक और साथ ही साथ आक्रामकता का कारक राहु है, तो स्वास्थ्य में या फिर शरीर से संबंधित, हड्डियों से संबंधित या ब्लड से संबंधित कोई ना कोई पीड़ा इस समय इस गोचर में आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो यह सुनिश्चित है कि स्वास्थ्य पीड़ा का पूर्ण योग इस गोचर में दर्शाता है और गुरु की जो स्थिति है वक्री होकर स्वग्रह में पंचम में, वह दर्शाती है कि कहीं ना कहीं से आपसे जुड़े हुए लोगों का भी स्वास्थ्य प्रभावित होकर आपको मानसिक पीड़ा दे सकता है कविता जी। चलिए, अगर बात करें क्योंकि गुरु ज्ञान के भी सबसे बड़े कारक माने जाते हैं, तो इस मामले में ये आने वाले 120 दिन के कैसे रहेंगे? देखिए, पंचम में गुरु जब बैठे हुए हैं तो ज्ञान के विषय में यह शुभता ही देते हैं स्वग्रही होकर, लेकिन अब वक्री अवस्था में थोड़ा सा इनका प्रभाव बदल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको मानसिक भटकाव दे देंगे, आपको दिक्कत दे देंगे, लेकिन आप उच्च या शोध के क्षेत्र में हैं, आप सम्मान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपके शोध में बल दे देंगे, क्योंकि वक्री अवस्था में आपकी सोच को, आपके दिमाग को और तेज कर देंगे जी। तो ज्ञान और बुद्धि के मामले में यह समय जो है गोचर का, यह तीक्ष्णता की तरफ, शुभता की तरफ इशारा करता है कविता जी। चलिए आचार्य जी, आपसे मैंने जान लिया इनकी सेहत को लेकर, ज्ञान के मामले में। अगर बात हो जाए इनके रिश्तों को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, इनके प्रेम प्रसंग को लेकर, तो कैसा रहेगा ये महीना रिश्तों के मामले में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इनके लिए? देखिए, सप्तम हाउस जो है वह शुक्र का स्थान आता है और थर्ड हाउस जो है वह शनि स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। हमने हमेशा कहा है कविता जी, थर्ड और सप्तम जी,
दोनों वैवाहिक संबंधों या संबंधों के भाव में, अगर हम वैवाहिक संबंधों को भी नहीं कहते हैं तो संबंधों के भाव का पूरक है। और सप्तम जो आ रहा है वो शुक्र का घर आ रहा है, शनि शुक्र में मित्रवत संबंध है, तो संबंधों के भाव में बहुत दिनों बाद इनको अपनों का साथ मिलता हुआ इस गोचर के दौरान शुभता दे रहा है कि आपके अपने जो अब तक आपसे दूर थे या आपके विरोध में थे, आपसे विरोधाभास था, तो वह आपके करीब आ सकते हैं, आपके भावनाओं को समझ सकते हैं, आपके साथ खड़े हो सकते हैं। तो संबंधों के विषय में शुभता दे रहा है, पति पत्नी के संबंधों में भी सुधार और संबंध गहरा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कविता जी, चलिए, संबंधों में सुधार आएगा, संतान पक्ष से कितना लाभ इन्हें मिलेगा, क्या कोई बड़ी खुशखबरी या फिर परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं, संतान सुख इस दौरान इनको मिल पाएगा? देखिए, संतान सुख में वृद्धि करेंगे, संतान अगर नहीं है अब तक या संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ से शुभता मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कविता जी, एक देखने वाली बात यह है कि पंचम भाव में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, तो अगर आपकी कोई संतान है, किसी बीमारी से पीड़ित है, किसी तरह से उलझे हुए हैं आप स्वास्थ्य को लेकर उससे, तो इस गोचर के दौरान आपको और सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वक्री अवस्था में हो सकता है कि उस पीड़ा को या उससे जुड़ी हुई पीड़ा को बढ़ा दें और आपकी परेशानियाँ उसकी वजह से बढ़ जाए। कविता जी, अब इनका आर्थिक पक्ष क्या कहता है इस मामले, मतलब बृहस्पति वो भी वक्री होकर इन्हें देकर जाएंगे या फिर आर्थिक तंगी दिखा सकते हैं? देखिए, जिस दिन यह गोचर हो रहा है, जिस दिन का यह लग्न चार्ट है, उस दिन बुध चंद्र एक साथ युति बना लेते हैं प्रथम दिवस में, तो गोचर के दिन जो योग बन रहा है वह दर्शाता है कि आर्थिक रूप से इनके अंदर चंचलता और भ्रम की स्थिति रहेगी, नौकरी में, व्यापार में, हर जगह कुछ न कुछ इनको भ्रम या मानसिक पीड़ा यह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो धन तो आएगा लेकिन फिर भी यह अपने आप में, अपने मन में उलझे हुए रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे, या फिर नौकरी पेशा अच्छी नौकरी है फिर भी रोज यह किसी न किसी तरीके की खुद बिना वजह कुछ न कुछ सोचकर उस पीड़ा को लेंगे या पीड़ा में डूबे रहेंगे। तो आर्थिक पक्ष से हमें धन आने में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन धन के विषय में मानसिक संतुष्टि मिलती हुई हमें नजर नहीं आ रही है। जी, अच्छा जी, जाते जाते गुरु से संबंधित क्या कुछ उपाय इन लोगों को करने चाहिए राहत के तौर पर? देखिए, मंगल प्रधान राशि है यह जो है, और सबसे अच्छा होगा कि हनुमान जी की आराधना और सुंदरकांड का अगर पाठ कर सके तो सुंदरकांड का पाठ कर लें, नहीं तो सुंदरकांड से कुछ चौपाइयों का अध्ययन रोज करें। जैसे कि आज आपने 2 चौपाइयां 5 चौपाइयां पढ़ लिया, कल फिर पढ़ लीजिए, ऐसे ऐसे करके जिस दिन पूर्ण हो जाए उस दिन आप कुछ प्रसाद इत्यादि बांट दें, और प्रयास करिए कि इस जो गोचर काल है इसमें आप 2-2 चौपाइयां 4-4 चौपाइयां भी करेंगे तो आप पूर्ण रूप से पूरा कर लेंगे सुंदरकांड, और उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों के लिए वक्री शनि की आने वाले 120 दिन कैसे रहने वाले हैं। इसी के साथ मुझे आचार्य जी को, दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।